छिवाड़ा के परासिया में सरपंच संघ दो दलों में बंट गया है। सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। वहीं अब राजू पवार को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठने लगी है। परासिया जनपद में 91 ग्राम पंचायत में 68 ग्राम पंचायत के सरपंचों ने राजू पवार को कोसमी हनुमान मंदिर में सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाया था, जिसमें सभी राजनीतिक दल के सरपंच शामिल थे। लेकिन 3 माह बाद सिर्फ कांग्रेस सरपंच को लेकर अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर दी गई, जिसका सरपंचों ने विरोध जताया है और नियुक्तियों को गलत बताया है। इस मौके पर राजू पवार ने कहा, राजनीतिक दुर्भावना के चलते उनके साथ अन्याय किया गया है। ग्रामीणों की मांग है कि विकास के लिए राजू पवार को ही अध्यक्ष बनाया जाए। ये जो कल गठन हुआ सरपंच संघ का अध्यक्ष जो बनाया गया, इसमें राजनीतिक दुर्भावना के साथ में मेरे साथ मेरी छवि खराब करने के लिए ये किया गया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इसके पीछे राजनीतिक जो पद अधिकारी है यहाँ पे परासिया के, इनका हाथ रहा इसमें। इसमें विधायक जी और जनपद उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का इसमें सहयोग रहा, ये मेरे साथ गलत हो रहा है और ये दुर्भावना बस मेरे साथ गलत कर रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।